ये हाजियापुर है, ओल्ड सिटी। ये कम से कम 60-70 साल हो गए। हमारे बड़े बूढ़े ऐसे बता गए हैं कि जब से ऐसी पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में भट्टा था ईट का, जब से ऐसी पड़ा हुआ है और इसमें गंदगी ऐसी पड़ी रहती है, इसकी वजह से सारी बीमारी फैल रही है। इसका 2-3 दफ़ा तो इसमें काम, मतलब जो बता गए यहाँ पे अधिकारी कि इसमें कभी मेडिकल कॉलेज बनने आया, कभी स्कूल बनने आया, कभी पार्क बनने आया, 2 महीने के बाद कैंसिल हो जाता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा नया ऑफर निकल के आता है इसमें, लेकिन इसमें होता कुछ नहीं। बस गरीब लोग रहते हैं, बड़े लोग सताते हैं यहाँ पे आगे बार बार, कभी कुछ नहीं है, कभी ये नहीं है, और हमें परेशानी भी होती है गंदगी की। एक तो कैसे ना कैसे हम लोगों ने, कई गरीबों ने घर बनाया है यहाँ पे, पैसे जोड़ के कहाँ कहाँ से कराया, रक्षा चलाया हमारे बाप ने, और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। हम लोग यहाँ वाले आगे और गंदगी कर देते हैं तो बीमारी होती है, बीमारी के कारण हमें पैसा नहीं हो पाता है इलाज कराने के लिए। तो हम ये चाहते हैं ये सब साफ़ हो जाए, लेकिन साफ हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें। यहाँ पर इतनी गंदगी है, हाजियापुर में शादी नहीं करेंगे, वो अपनी लड़की नहीं देता। यहाँ पर तार जल रहा है, तार बीमारी हो रही है, बच्चों बीमारी हो रही है, कपड़े धुआं आ रहा है, काले पड़ रहे हैं कपड़े, यहाँ तक कितने फेरे का समय सस्ते का, कोई यहाँ पे लड़ते हैं, गुज्जर लोग ये तार मत जलाओ, धुआं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के हलक में जाएगा। तो वो कहते हैं हम ऐसी, ये बोलते हैं हम ऐसी जलाएंगे, तुमसे रोक ले, रोक लो। अब हम लोगों को परेशानी होती है, बास आती है, कभी रात में रुक के देखिए जब हवा चलती है इधर की तो कैसी गंदगी होती है, और बास के मारे इंसान रह भी नहीं पाता है। बीमारी कभी देखो डायरिया हो जाता है, गर्मियों में देखो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ये बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो एलर्जी यहाँ पे हाजियापुर के अंदर 5% लोग होंगे जिनको एलर्जी नहीं है, वरना 90-95% यहाँ पे एलर्जी है। यहाँ तो पहले गंदगी नहीं होती, पूरे शहर की गंदगी तो यहाँ फेंकी जा रही है, पहले तो इससे वाली दिक्कत है। पहले कहते थे कमेला उसकी गंदगी है यहाँ, वो कुछ नहीं रहा, अब तो पूरे शहर का कूड़ा फेंका जा रहा है यहाँ पे, उसकी सारी गंदगी आ रही है। यह नालियाँ जाम है, सब कूड़ा करकट भरा हुआ है, नालों से परेशानी हो रही है। कभी बरसात में आके यहाँ पे माहौल देखो तो यहाँ पे इतना पानी होता है जहाँ फड़े हो, पूरे एरिया में यहाँ पे मेन रोड पर पानी होता है 3 फीट ऊपर, इसी की वजह से, क्योंकि पानी की निकासी है नहीं, और जो ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है ये जाके नाले नदी में उधर पड़ जाता है, जहाँ पे निकासी है ना वहाँ पे भी पड़ जाता है। ऐसे नाले सारे चौक हैं, जो मेन सप्लाई है वो चौक है, उसके फिर पानी भरेगा या जाएगा, सबसे मेन चीज़ तो निकासी होना चाहिए, निकासी नहीं। ये बहुत तरीके से बीमारी फैलती है, ये कूड़ा करकट जब कचरा ही पड़ता है, बड़े बड़े अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं यहाँ पर, मना कर देते हैं, कहते हैं क्या करेंगे इतनी गंदगी, साफ मना कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, हजारों सोचे मकान ले लूँ, लेगा नहीं गंदगी देख के, अगर या तो फ्री में भी नहीं लूँगा मैं। हमारे दरवाजे पे भी इतना पानी है, कमर कमर तक इतनी परेशानी है निकलने की, बिल्कुल निकास नहीं है, अभी इतने पानी में से आए हम निकल के। लेट्रिन घर घर टॉयलेट बनवा रहे हैं, सरकारी खर्चे से टॉयलेट बनता है, अब टॉयलेट की हालत देखो आप ये यहाँ पे, और जो यहाँ पे जिनके घर में टॉयलेट नहीं है यहाँ मैदान में जाते हैं, 12,000 दे रही, लेकिन जो सरकारी टॉयलेट बने हुए हैं उनको तो कम से कम कंप्लीट करके चालू करें। मगर साहब यहाँ पे जहाँ तक उनको काम कराने का वो करा रहे हैं, काम वो अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन क्या करा जाए, जो वो है सभासद के और जो मेयर है वो है बीजेपी का, इसकी वजह से इसके उनका कोई काम नहीं हो पाता, कूड़े ढेर लगा देंगे, कूड़े उठाने नहीं आएंगे। अभी यूनिवर्सिटी वाइज इस्तेमाल चल रही है, कभी सरकार किसी की आई तब भी चल रही थी, अखिलेश यादव थे तब भी चल रही थी, अब बीजेपी आ गई तब भी चल रही है, अब देखो 2019 में क्या होता है। तो कोई आके भी नहीं झाँकते हैं इलेक्शन के पहले, अब 1 महीने पहले जाएंगे, अगले जनवरी में आए, फरवरी में इलेक्शन है, जनवरी में आएंगे तब अगर वोट मांगने आते हैं, वोट दे दें, और कोई देखने तक नहीं आता, जब जीत जाए तो अपने अपने घरों में बैठ जाए। तो जिंदा बीमारी है, कभी मेडिकल बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, जब इसका काम स्टार्ट होगा तब पता चलेगा हाँ बन रहा है, वोट लगाने से कुछ होता है। अभी इससे 2 दिन पहले एक ऑफर कैंसिल हुआ था, इसमें मेडिकल कॉलेज यूनानी, जो भी बने तो अच्छी चीज बने यहाँ पे, अब ऐसा ना हो यहाँ पे कचरा ही पड़ता रहे हमेशा। अब सरकार जो है कभी कुछ बनाने को कहती है, कभी कुछ बनाने को कहती है, कुछ भी नहीं हो पाता है। इसमें कुछ भी बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए, इससे गंदगी खत्म हो जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ बन जाए, लेकिन साफ सुथरी कुछ भी बने, स्मार्ट सिटी बन जाए या आयुर्वेदिक जो कॉलेज बनना चाह रहा है वो भी बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये बन जाए, उससे गंदगी कम से कम 50% खत्म हो जाएगी। भाई साफ सफाई होना चाहिए, यहाँ कुछ बनना चाहिए, ठीक है, और सही से साफ होना चाहिए, और क्या चाहिए, बस पानी ना भरे पूर्व में, मैं सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की, अगर 4 बूंदे भी गिर जाती तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज़।